अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स आप सबको अली स्मार्ट गाइड में होशामदीद कहता हूं हमारे पास रेशो सीरीज का क्वेश्चन है द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज थ्री रेशो फाइव इफ टू इज एडिड टू बोथ द नंबर्स द रेशो बिकम टू रेशो थ्री फाइंड द नंबर्स क्वेश्चन में बताया गया है कि दो नंबर्स की जो रेशो है वो है थ्री रेशो फाइव अगर उन दो नंबर्स में दो ऐड किया जाए तो रेशो टू रेशो थ्री हो जाती है वो नंबर्स मालूम कीजिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो रेशो दी गई है वो है थ्री रेशो फाइव यानी कि दो नंबर्स के दरमियान जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक रेशो है वो है थ्री रेशो फाइव तो फर्ज करें वो नंबर है थ्री एक्स और फाइव एक्स अब अगर इन नंबर्स में हम टू ऐड कर दें यानी कि थ्री एक्स प्लस टू रेशो फाइव एक्स प्लस टू तो जो नई रेशो बनेगी वो बनेगी टू रेशो थ्री इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस टू इज डिवाइडेड बाय फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू इज डिवाइडेड बाय थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम थ्री को इस एक्सप्रेशन के साथ और फाइव एक्स प्लस टू को टू के साथ तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी थ्री इन थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू इंटू फाइव एक्स प्लस टू ये हो जाएगा नाइन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस फोर यहां पे जो नाइन एक्स है ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है जब ये राइट right साइड पे जाएगा तो इसका साइन पॉजिटिव है राइट right साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा प्लस फोर जो है ये इक्वेशन की राइट right साइड पे है जब ये लेफ्ट पे आएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि राइट right साइड पे इसका साइन पॉजिटिव था तो हम इसको लिखेंगे सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस नाइन एक्स तो हमें वैल्यू हासिल होगी टू इज इक्वल टू एक्स हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू टू अब हमने सपोज किया था कि वो नंबर्स हैं थ्री एक्स और फाइव एक्स तो एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे थ्री इंटू टू तो ये बनेगा सिक्स और फाइव इंटू टू ये बनेगा हमारे पास टेन तो वो जो दो नंबर थे वो थे सिक्स और टेन रे स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम